बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माई नेम इज़ कामरान अली, आई एम योर कंप्यूटर टीचर फ्राम लावी इंस्टीट्यूट बुरेवाला। आज एक इंतहाई अहम टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर हम बात करते हैं अपने किसी भी सब्जेक्ट की, तो उस सब्जेक्ट में नंबर हासिल करने के लिए हमें उस सब्जेक्ट के पैटर्न मींस पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए। मींस मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि टोटल कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन और कितने एमसीक्यूज और कितने शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से गेट किए जाएंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पेपर पैटर्न कंप्यूटर स्टडीज़ फर्स्ट ईयर बुक में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड वन इज़ सब्जेक्टिव। जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव हिस्से की, तो ऑब्जेक्टिव हिस्से में दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज़, यहाँ पर उसने कहा जी एमसीक्यूज, एंड सेकंड वन इज़ शॉर्ट क्वेश्चन। एमसीक्यूज की अगर आप बात करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस के अंदर 15, इट मींस टोटल 15 आपको एमसीक्यूज आएंगे, जो कि एक नंबर का होगा। और अगर आप इसको ज़रब देते हैं, तो आप 15 मार्क्स एमसीक्यूज में गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस को तीन हिस्सों में, तीन हेड में डिवाइड किया गया है। वो तीन हेड कौन कौन से हैं? वो चैप्टर वाइज डिवाइड किए गए। अगर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, तो क्वेश्चन नंबर टू आपका मुश्तमिल है चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर टू और चैप्टर नंबर थ्री। इन तीन चैप्टर्स में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस गेट किए जाते हैं। इट मींस गिवन आपको दिए जाएंगे 9 और आपने अटेम्प्ट कितने करने होंगे? ओनली 6 मल्टीप्लाई बाय 2। एवरी शॉर्ट क्वेश्चन गेटिंग 2 मार्क्स इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 शामिल हैं, यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन गेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिए जाएंगे 9 और आपने अटेम्प्ट कितने करने होंगे? ओनली 6, तो वो आपके गेट किए जाएंगे चैप्टर नंबर 7 से, चैप्टर नंबर 8 से, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। तो ये आपका हिस्सा जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का, यहाँ से गेट किया जाएगा। और अगर आप 12 + 12 + 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 36। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट की। तो सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। वो 3 क्वेश्चंस इन टोटल 5 क्वेश्चंस में से आप कोई सा भी कर सकते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके, इट मींस आप उनको छोड़ सकते हैं, और टोटल आपने 3 क्वेश्चन लाजमी करने होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 पर ये मुश्तमिल है। और अगर आप बात करते हैं अपने इन 3 क्वेश्चंस की, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके टोटल चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और 7 से गेट किए जाते हैं। और एवरी क्वेश्चन जो के वेटेज रखता है 8 नंबर की, 8 × 3 तो 8 × 3 = 24, तो जब आप 24 + 36 + 15 करेंगे, तो आपको इसका जवाब मिलेगा 75। तो आप इजीली 75 नंबर हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और अगर आप नहीं समझ चुके, तो इसको बार बार देखें
और इसको अच्छी तरह से ज़ेहन नशीन कर लें ताकि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। इसी के साथ अपने टीचर कामरान अली को इजाज़त दें, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।